रेव पंटर नो हासिल का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओजे जैंगल में। तो आज हम बात करने वाले प्राइस की। प्राइस के दो कैटेगरी होते हैं, एक है गोल्ड डिगर, दूसरा है किसी प्राइस। ये दोनों प्राइस के अंदर कॉमन चीज है लड़की। हाँ बच्चों, लड़की। और ये प्राइस इतने ज्यादा लोग करने लगे कि भाई सब बच्चे भी करने लग गए। वो बच्चे जिनको संडास जाने के बाद हगते कैसे और धोते कैसे वो पता नहीं, वो बच्चे आजकल प्रैंक्स करने लग गए। तो चले यार, इस वीडियो को बिना किसी इंट्रो के शुरू करते हैं। क्या हुआ? तुम्हारी माँ कैसी है? तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ भी। ये ऐसी हरकत अगर तुम्हारे सामने कोई बच्चा करेगा तो तुम क्या करो? अनजान बच्चा करके तो तुम क्या करोगे? मतलब तुम्हारे माँ के बारे में बिन काम का पूछेगा तो क्या करोगे? भाई सब सच बोल रहा हूँ, चप्पल फेंक के मारोगे नहीं तो बकभसड़ी के बोलोगे। लेकिन नहीं यार, ये लड़की कुछ अलग है। ये लड़की ना क्या बोलती, जरा तुम सुन लो। कुछ भी। तुम्हारी माँ? अरे क्या हुआ? पहचाने कि नहीं? कौन? अरे क्या हुआ मतलब यार, कोई बच्चा तुम्हारे सामने ऐसा कुछ धंधा करेगा या फिर माँ के हित के बारे में पूछेगा तो तुम इतना ही बोलोगे अरे क्या हुआ? अरे यार कुछ नहीं। हाँ कौन कौन? अरे कौन? तुम्हारा देखभाल करने वाला। तुम? तुम्हारा आशिक। मेरे आशिक वो यार अपना क्या भी सुबह योर मारे दिल पर बनेंगे भोसड़ी के, आशिक बनेंगे भोसड़ी के। इनको नोबिता और शिजुका का लफड़ा देख के ये लोग इतने ज्यादा एक्साइटमेंट से उबल चुके हैं कि भाई साहब इश्क करेंगे बड़वे के। क्या भाई साहब, इनको आजकल तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को तो भाई साहब कार्टून भी बंद करना पड़ेगा, बच्चे बिगड़ रहे हैं। प्रैंक करेंगे वो सड़ी। हम बढ़ने वाले हैं कॉल डिकर प्रैंक के अंदर। गोल्ड नहीं, कॉल डिगर प्रैंक। कॉल डिगर प्रैंक के अंदर साधारण से शब्दों में बता दो तो कॉल डिगर प्रैंक में ज्यादा कुछ भी नहीं होता, सेम तरीके से होता है। एक लड़की होती है व्यूज पाने के लिए और एक अनजान सा बंदा जिसको पूरी दुनिया में कहाँ रास्ता ही पता नहीं होता, लेकिन इसके रास्ते की बात निकलती, इसके निकलती है फोन की बात। तो चलिए इस वीडियो के अंदर तुम देखो क्या मतलब है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है मेरा प्रॉब्लम? मैंने क्या करा? अभी मैंने क्या करा बता तुझे राधु। हाँ अभी तूने बोली तो मैंने ब्लू कलर की शर्ट भी पहन के आया ना। एक तो मैंने 200 रुपए की खरीदा वो, अभी कुछ बोलना ही नहीं, इतना मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया उसके अंदर। अरे मेरे बाजू में लड़का है। अरे रे क्या प्यारा दिख रहा है ना वो लड़का। अरे माशाल्लाह, इस बंदे ने अभी चार से प्यारा दिखने का दावा किया है। लेकिन नहीं यार, इससे अच्छा प्यारा तो साला वो जू के अंदर चिंपांजी दिख जाएगा। सर के अंदर गुटखा और पान मसाला मिला के कोई प्यारा नहीं दिखता। सड़े लोग बास आती गटर की नहीं, हम प्यारे हैं। हे मेरे को माफ कर, मैं शॉपिंग नहीं जाऊंगा, प्लीज माफ कर मेरे को, मेरी जेब खाली हो गई साला, 10 रुपए पॉकेट मनी के लिए नहीं बचे, देखो शॉपिंग जाना है अभी। तेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है तेरे साथ? क्या बात कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही मेरे साथ, चल रही क्या बोल? तुझसे वैसे भी कोई पूछ रहा नहीं शॉपिंग ले चली, लेकिन खुद की इज्जत हो कहाँ, तो ये लोग घर के अंदर तो उसको लेते नहीं होंगे, संडास में रख के आए होंगे, क्योंकि इसको तो कोई औकात ही नहीं रखा है ना, इसलिए अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है। इन प्रैंक्स वालों की जिंदगी झंड हो जाती है ऐसी चीजें कर करके, पता नहीं कैसे जीते होंगे। और 10 रुपए की बात की साले, जुआ सुट्टे हुए तो उड़ा देता होगा ना, वैसे भी ना जाए तो कौन इसको देखता है। हम इस वीडियो के कमेंट की ओर बढ़ते हैं। कमेंट के अंदर इसकी खुद की ऑडियंस इसको क्या इज्जत देती है जरा देख के आते हैं। अगर ये रियल होता तो लड़की चली जाती या लड़के को थप्पड़ मारती। हिट लाइक इफ यू आर अग्री, 1K लाइक। भाई कभी तो रियल वाला प्रैंक बनाया करो, इतनी फिक्सिंग तो आईपीएल में नहीं होता है, मैच फिक्सिंग है। इतनी देर में तो लड़की अंधेरी से वारसोवा निकल लेती, क्या घन मस्ती चल रहा।
देखो गाइस, इस चैनल का कुछ लाइक एम होता है कि सब्सक्राइबिंग एम होता है। ये चैनल बहुत मेहनत से मैंने खोला है और बना रहा हूँ वीडियोस। तो यार लाइक करो। आज का हम लाइक एम रखते हैं 10। कर लोगे तुम लोग 10 लाइक तो यार सब्सक्राइब भी कर लो और घंटा तो जरूर दबा देना, बहुत मजा आता है।